पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लड़कियों महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मुरादाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक अहम पहल की है। छात्र छात्राओं ने एक साथ मेहनत कर एक ऐसा सैंडल बनाया है जो लड़कियों और महिलाओं को छेड़छाड़ की समस्या से तो निजात दिलाएगा, साथ ही साथ छेड़छाड़ करने वालों को जेल भिजवाने में भी काम आएगा। सैंडल को बनाने वाले बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र दिवाकर शर्मा, छात्रा आशी अग्रवाल और अनुज कुमार ने बताया कि इस सैंडल पहनी महिला या लड़की को भी कोई छेड़ता है तो ये सैंडल उसको जोरदार करंट तो मारेगा ही, साथ ही सैंडल में लगे जीपीएस मोबाइल सिम की मदद से छात्राओं के घर पर परिजनों को छात्रा की लोकेशन और छेड़छाड़ करने की फोटो मिल जाएगी। इतना ही नहीं, सैंडल को ड्रोन कैमरे से भी जोड़ा गया है जो मैसेज के मिलते ही तेजी से उड़ेगा और पुलिस का सायरन बजता हुआ मौके पर पहुंच तस्वीरें वीडियो लेकर नजदीकी थाने और परिवार तक पहुंचेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने द फ्लाइंग कॉप एंड वुमेन डिफेंस सिस्टम दिया है। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित हो चुका है। वही प्रोजेक्ट बनाने वाले दिवाकर शर्मा, आशी की सुरक्षा की चिंता उनको हर वक्त सताती थी, इसी चिंता से निदान को उन्होंने अपने सहयोगी की मदद से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनकी इच्छा है कि इस सैंडल को बाजार में उतारा जाए ताकि महिलाएं कभी भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। वही छात्र छात्राओं की मेहनत के सफल होने से कॉलेज के शिक्षक भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि यह प्रोडक्ट को वह मार्केट में उतारने में पूरी मदद करेंगे। ये प्रोडक्ट महिला और छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं, आजकल जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे मन में ये आइडिया आया, मैं और मेरे जो दोनों फ्रेंड्स हैं, हमने यही सोचा कि हमारी जो सिस्टर्स हैं, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ अगर रात को तो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स चिंता करने लग जाते हैं कि सेफली जा रही है नहीं जा रही है। इसी वजह से ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि जो वुमेन है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें, रात को घर से निकलते वक्त उसे डर नहीं महसूस हो। अच्छा। इसको तैयार करने के लिए हमें एक साल लग गया, एक साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसमें अगर हम चाहें तो आगे बहुत सी चीज़ें एडवांस कर सकते हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, एक सैंडल है, एक ड्रोन है। सैंडल के साइड में हमने एक बटन लगाया है, अब जब लड़की रात को निकल रही होगी अगर कोई उस पर अटैक करना चाहेगा तो वो उस बटन को अपने दूसरे पैर से प्रेस कर देगी। उस बटन को प्रेस करते ही उसकी जो आगे की पिंस हैं उससे जो सामने वाला अटैकर है उसे करंट लग जाएगा। साथ ही साथ जो उसकी लोकेशन है वो उसके रिलेटिव्स को, उसके घर वालों को और पुलिस को पहुँच जाएगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। अब जो ड्रोन होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया से उस लड़की की लोकेशन तक आएगा, साथ में वो सायरन बजाता हुआ आएगा। सायरन से ये हेल्प मिलेगी कि जो आसपास के लोग हैं वो अवेयर हो जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम है, और वो जो ड्रोन है वो वहाँ का आके सारा सीन रिकॉर्ड कर लेगा। सीन रिकॉर्ड करने से जो पुलिस है उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस अटैकर को पकड़ने के लिए। रेप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं कि आज ये रेप हो गया, आज इसका रेप हो गया, एंड आज यहाँ पे किसको छेड़ दिया, एंड हम इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम को भी पता नहीं कि सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी कंट्री हैं। तो इसलिए मैंने भी ये सोचा था कि जैसे मेरी तीन सिस्टर्स हैं एंड आशी भी, मतलब मेरी जो प्रोजेक्ट पार्टनर है वो भी एक लड़की है, तो हम लोगों ने सोचा था कि कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि एक इन रेप अटेंट्स को भी ना कम कर सके, जैसे वो रात में अकेले आते हैं तो उन पर कोई हमला करे तो वो रोक सकें। तो इसलिए हमने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसमें एक लड़की को किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। सिस्टम का नाम जो है वो द फ्लाइंग कॉप एंड वुमेन डिफेंस सिस्टम रखा है हमने। बेसिकली इसका पर्पस किसी भी लड़की के खिलाफ होने वाले किसी भी असॉल्टन या फिर उसके खिलाफ होने वाले कोई रेप के अटेम्प्ट को रोकना है। इसमें हमने इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट में देखा जा सकता है, जिसका एक पार्ट है एक ड्रोन एंड एक पार्ट है एक सैंडल। ठीक है, तो सैंडल में हमने क्या किया है, सैंडल में हमने एक GSM यूज़ किया है, एक हमने GPS यूज़ किया है, एक Arduino यूज़ किया है जो कि उन सबको कंट्रोल करेगा, एंड शॉक बेस्ड सिस्टम यूज़ किया है। अब क्या होगा, जो हमारी सैंडल है उसमें एक साइड में एक ट्रिगर बटन लगा हुआ है, जैसे ही वो कोई सामने वाला बंदा किसी लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो अपने एक पैर से दूसरे पैर पर प्रेस करके वो उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। अब जैसे वो सिस्टम एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ GPS उसकी लोकेशन जो है वो ट्रैक हो जाएगी, और वो लोकेशन GSM की हेल्प से उसके घर वालों में पहुँच जाएगी, पुलिस वालों में पहुँच जाएगी, एंड साथ साथ में इस ड्रोन के पास पहुँच जाएगी। एंड इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ ही जो इसका शॉक बेस्ड सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब शॉक सिस्टम एक्टिवेट होते ही वो जैसे ही सामने वाले बंदे को किक करती है, इसके लिए इससे 0.45 mA का करंट जनरेट होगा, जिससे सामने वाला बंदा जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, एंड उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी फिर वो कि असॉल्ट कर पाए।
वो ये उसको कोई फिजिकली इतना हार्म नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो सामने वाले पर फिर से अटैक कर पाए। ठीक महसूस करती हैं। इस संबंध में हमारे विभाग में सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं बच्चों को इनकरेज करते रहते हैं इस बात के लिए कि वो नए नए अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा पूरा सहयोग रहता है। जिस तरीके से भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कंपोनेंट को लेकर हो, चाहे वो कार्ड लेवल पर हो, जितने भी संभव सहायता हो सकती है वो सारी सहायता करके उनके प्रोजेक्ट को, उनके आइडियाज़ को मूर्त रूप देने में पूरा सहयोग रहता है। वो अपने गाइड से, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से, अन्य किसी फैकल्टी मेंबर से या किसी अन्य विभाग से भी अगर किसी प्रकार का सहयोग चाहिए होता है तो संस्थान पूरा सहयोग करता है। सर, इस तरह के ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं वो पब्लिक डोमेन में जाएं, लोगों तक पहुंचें, खासकर हम देखते हैं कि लैबों में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो रहे नहीं, बिल्कुल है, ऐसा पूरा प्रयास हो रहा है कि इसको पूरा प्रचार दिया जाए इस प्रचार के माध्यम से, ताकि जन जन लोगों तक ये बात पहुँचे। और ऐसे में कुछ इंडस्ट्रीज़ के कुछ लोगों से भी कॉन्टेक्ट किया गया है ताकि इसको जो है वो कमर्शलाइज, इसमें जो मॉडिफिकेशंस चाहिए कमर्शलाइज करने के लिए, उन मॉडिफिकेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकें और इसको बाजार में कमर्शियल रूप से उतारा जा सके।